हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि अपने वीडियो की वॉइस को एडिट कैसे करते हैं, हाउ टू एडिट वीडियो वॉइस। गाइस, यह बताऊंगा मैं आपको और सिखाऊंगा अच्छे तरीके से कि वीडियो की वॉइस को आखिरकार हम कैसे एडिट कर सकते हैं। यानी कि गाइस, कहने का मतलब यही है कि हमारे पास ना तो अच्छा माइक होता है शुरुआत में और ना ही मोबाइल में अच्छी आवाज़ आती है, और गाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनसे हमारी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपने वीडियो की आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एडिटिंग करते समय बताऊंगा कि आप अपनी आवाज़ को कैसे एडिट करेंगे, कितनी कम आवाज़ रहे तो कैसे बढ़ा सकते, सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो की वॉइस क्वालिटी को कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर काइनमास्टर से बताने वाला हूँ कि वीडियो की वॉइस को कैसे एडिट कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पर पावर डायरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मैं आपको काइनमास्टर से बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है कि काइनमास्टर क्या है, काइनमास्टर एक एप्लीकेशन है जो कि एडिटिंग के लिए यह एप्लीकेशन काम आता है। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद काइनमास्टर में जाने के बाद आपको कुछ न्यू इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर साइज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप किसके लिए वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब के लिए या फिर यूट्यूब शॉर्ट के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए या फिर इंस्टाग्राम रील के लिए। तो आप यहाँ पर ये वाली साइज सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपको यहाँ से अपनी वह वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसकी वॉइस को आप एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ। तो मेरी यह वाली वीडियो है जिसका मैं वॉइस एडिट करना चाहता हूँ। सो मैं इसका वॉइस आपको पहले सुना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे एडिट किया जाता है। हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि मेरी इस वीडियो की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, और हमारे मोबाइल में हो सकता है कि आवाज़ बहुत कम आए, तो आप आवाज़ भी इसमें बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मिक्सर का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो मिक्सर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी आवाज़ की क्वालिटी को आपको यहाँ से 100% से 200% करना है, और ऑटो वॉल्यूम को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट और राइट का जो आपको यहाँ पर पॉइंट लेफ्ट और राइट के जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको 0 कर देना है टोटल। और ऐसे करके अब मैं आपको इस वीडियो की आवाज़ सुना देता हूँ। तो दोस्तों, आपने जैसा देखा कि पहले हमारी वीडियो की आवाज़ क्वालिटी कितनी कम थी, और अब हमने इस वीडियो की आवाज़ क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपने जैसा देखा कि पहले हमारी वीडियो की आवाज़ क्वालिटी कितनी कम थी, और अब हमने इस वीडियो की आवाज़ क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा वीडियो को, इस वीडियो की वॉइस क्वालिटी पहले कितनी कम थी, और हमने इसमें क्वालिटी को बढ़ा दिया है, बिल्कुल इंक्रीज कर दिया है, और आवाज़ को सही से बढ़ा दिया है। अब देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से हमारी वीडियो की आवाज़ भी आई है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप अपनी वीडियो बनाओ, तब वहाँ पर कहीं पर भी चिड़ियों की आवाज़ या फिर आप आउटडोर में वीडियो कभी ना शूट करें, एक बंद कमरे में ही वीडियो शूट हो पाती है। और आपके पास वह भी नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि कहीं पर किसी की आवाज़ ना आए, और वहाँ पर जाकर आप वीडियो को बना सकते हैं। तो ऐसे आपकी वीडियो में अवर वॉइस या फिर नॉइज़ भी नहीं आएंगी, जिससे आपकी वीडियो अच्छी क्वालिटी की दिखाई देगी। वैसे आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, तो आप यहाँ से बड़े ही लोगे आवाज़, लेकिन कोशिश यही करें कि आपके आसपास कोई ना रहे, और आप अकेले में ही वीडियो को शूट करें या फिर अकेले में वीडियो को रिकॉर्ड करें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट टेक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।